ओके अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद फैसल खान है, 6811 मेरा बेल्ट नंबर है और मैं ज़िला पुलिस में नौकरी करता हूँ, पंजाब पुलिस लाहौर में। उसके बाद मैं लीड फोर्स में चला गया जो पंजाब पुलिस का ही एक विंग है जिसके अंदर ऑपरेशनल और स्क्वाड की नौकरी की जाती है। आज 11 अप्रैल है, कल जैसे कि आप तमाम को पता है सानहा 10 अप्रैल हुआ है जो कि भावल नगर में पाकिस्तान आर्मी के गुंडों ने वहाँ पे थाना के ऊपर जाकर अटैक किया नौजवानों को, SHO साहब को और सब इंस्पेक्टर को, ASI को और बाकी जवानों को रौंदा है, बुरे तरीके से मारा, उनके ऊपर तशद्दुद किया, व्हाटएवर जो भी उनका मामला था। लेकिन एक रियासती इदारा क्या दूसरे रियासती इदारे के ऊपर इस तरह से लीगली किसी भी तरह से अटैक करने का मुतहम्मिल हो सकता, क्या उसके पास कोई जवाब है? बिल्कुल भी नहीं है, आयन इसका जवाब नहीं देता। दूसरी बात, आज ये वीडियो इसलिए मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने उन भाइयों के साथ जो वहाँ पे थाना भावल नगर में पिटे हैं उन गुंडों के हाथों से और यरगमाल बने हैं, मैं उनके साथ इजहार यकजहती के तौर पर अपनी नौकरी छोड़ने का ऐलान करूँगा। और ये जो कपड़े मेरे नीचे पड़े हैं जिसे वर्दी कहा जाता है, ये देखिए नीचे, कैमरा मैन प्लीज़ ही कीजिएगा यहाँ पे भाई, आपका शुक्रिया। एलीट फोर्स का मैं जवान हूँ, ये देखें, ये इसके ऊपर टैग है और ये शूज़ है और ये बेल्ट है। आपको पता है ये शूज़ बेल्ट और ये टोपी मैं क्यों जला रहा हूँ? ये गुलामी की अलामतें हैं, अब गुलामी की अलामतें हैं। हम बड़ी इज्जत के साथ नौकरी कर रहे थे लेकिन जो आज हमारे मुल्क में हो चुका है ईद के दिन, मेरे लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि 60,000 रुपये की नौकरी के लिए मैं अपना ज़मीर बेच दूँ। इसलिए आज ये मैं अमल कर रहा हूँ अपने उन भाइयों के साथ जिनके साथ वहाँ पर जुल्म और ज़्यादती हुई है। रियासती इदारे, हमारा सोशल मीडिया, नाम निहाद सोशल मीडिया जो हर वक्त इसराइल में बच्चों के मरने की, फ़लस्तीन, गज़ा, शाम, इराक, लेबनान, कहाँ कहाँ पे लोगों के मरने की बातें करते हैं और जुल्म और ज़्यादती की बातें करते हैं, क्या उन्हें वो जुल्म और ज़्यादती नज़र नहीं आ रहा आज? आज वो लोग कहाँ पर हैं? IG साहब शर्म करें, आप शर्म आनी चाहिए जी IG साहब आपको, CM साहब आपको भी शर्म आनी चाहिए। ये कैसा इंसाफ है आपका मुझे बताइए? वैसे आप जाके लोग, IG साहब आपने तो रिसेंटली अभी अवार्ड भी लिया सदर साहब से, तो मुझे बताइए अब आप कहाँ पर हैं? ये कौन सी सुलह आप लोगों के साथ करते फिरते हैं? आखिरी एक बात कहना चाहूँगा, CCPO जनाब परवेज राठौर साहब, जनाब सर मेरा आपको सल्यूट है। 2009 में लिबर्टी में एक वाक्य हुआ था, DG रेंजर साहब की वहाँ पे गाड़ी गई, उनका बेटा था शायद, तो DG रेंजर साहब के बेटे को मना किया, कांस्टेबल मोहम्मद खलील ने मना किया कि आप गाड़ी यहाँ पर मत खड़ी करें, तो प्लीज़ आप पार्किंग में गाड़ी ले जाएं। DG रेंजर की स्क्वाड ने उस कांस्टेबल मोहम्मद खलील को वहां से उठाया, मारा और अपने हेडक्वार्टर में ले गए। यार ये गुंडागर्दी है, ये मुल्क है मुझे बताएं, ये क्या है? आप इसको स्टेट समझते हैं? वो कौन से बेवकूफ लोग हैं ये कहते हैं इस्लाम के नाम पर, खुदा, रसूल और कुरान के नाम पर मुल्क बना है? ये गुंडागर्दी है मुझे बताएं, ये तो साम्राज्य है, ये तो साम्राज्य चल रहा है यहाँ पे, मुझे बताएं ये कौन सी कौम है, ये कौन सा मुल्क है? कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लोगों की माओ बहनों के ऊपर उनके कमरों में से कैमरे निकल रहे हैं, पॉलिटिशियंस की नंगी और गंदी वीडियोस रिलीज हो रही हैं, क्या कर रहे हैं? ये वो मुल्क है जहाँ पे जजों को भी इंसाफ के लिए दुआइयाँ देनी पड़ रही हैं। मेरे लिए ये बात मेरे लिए नाकाबले बर्दाश्त है। बहरहाल मैंने आज अपने डिपार्टमेंट के साथ अपना इजहार यकजहती के लिए ये स्टेप उठाया है कि मैं कह रहा हूँ अब मैं अब इस महकमे में मज़ीद नहीं रह सकता। आप बिलीव कीजिए, मेरा 1.5 माह का बच्चा है, आज मैंने उसको जाके देखा, जब मैंने ये कदम उठाने का किसी एक दो अफराद से पूछा तो उन्होंने मुझे कहा ये मत करो तुम्हारे बच्चे रोल जाएंगे। मुझे हंसी आई उन लोगों पे कि यार ये कैसी बात है, ये कैसे हो सकता है? मुझे खुशी है इस बात की कि मैं ये काम करूंगा क्योंकि मेरे 1.5 माह के बच्चे को कोई ये नहीं कहेगा तेरा अब्बा बेज़मीर था, मुझे पता कोई भी नहीं कहेगा, अभी भी नहीं कहेगा, लेकिन मेरा ये कदम उठाने के बाद लोगों को ये पता चल जाएगा कि अभी भी मुल्क और कौम में, मुल्क और कौम के साथ होने वाली बुराइयों के खिलाफ रेजिस्टेंस का भी नाम मौजूद है। और मैं कांस्टेबल मोहम्मद फैसल खान अपने उन भाइयों के साथ जिनके साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है और उन बाकी तमाम अफराद के साथ जिनके साथ ये हमारे इदारे जो हैं उनके साथ जुल्म और ज़्यादती करते रहे हैं, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए पंजाब पुलिस से अपनी नौकरी को ख़त्म समझता हूँ और मैं अपनी वर्दी जला रहा हूँ आज। मेरा सल्यूट है मेरे उन भाइयों को जिनके साथ वहाँ पे जुल्म हो रही है और ज़्यादती हुई है। बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है मुझे इस बात का
कि उस्मान अनवर साहब यकीन माने दिल दुखा आपको टिकटॉक के ऊपर आके एक गजेटेड ऑफिसर अपनी दुआइयां दे रहा है कि हमने ये किया वो किया। आपने क्या किया मुझे बताएं कौम के लिए, आपने कितना जुल्म किया पाकिस्तान के सियासी वर्करों के ऊपर, कोई ऐसा बंदा बताएं जिसके साथ आपने जुल्म नहीं किया, कितना जुल्म मुलाजमों के साथ होता है, आपने सिर्फ अफसरान को नवाजा है और पाकिस्तान की पंजाब पुलिस पंजाब के अंदर मौजूद गैरतमंद अफसरान को अभी भी मेरी तरफ से सल्यूट है, वो जो 1% है। और शर्म आनी चाहिए आईजी साहब आपको और बाकी तमाम उन लोगों को जो अभी भी पंजाब पुलिस के साथ नहीं खड़े हैं। बस सलाम पाकिस्तान जिंदाबाद। जब ये देखिए इसको मैं जलाने लगूंगा, प्लीज पीछे हो जाए, आप पीछे उधर हो जाए, कायम रहेगा और एक वक्त आएगा जब यहाँ से जुल्म और ये साम्राज्य कुवतें, ये बदमाशी जिस सरकारी सतह पर की जाती है, इदारा जाति गुंडागर्दी और बदमाशी।